स्वागत है फ्रेंड्स आज के हमारे नया वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों को बैटरी चार्जर मॉड्यूल बना के दिखा रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे मॉड्यूल खरीदते होंगे मार्केट से, तो वो आप लोगों के 100 से ऊपर 150 200 250 के करीब में आप लोग मिलते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग अपने घर पर ही एक चार्जिंग मॉड्यूल बना के दिखाएँ जिससे सेफली आप लोग किसी भी बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो वो भी मॉड्यूल बनाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा कंपोनेंट्स का ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में जो कंपोनेंट्स है, बस इतना ही कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाइप सी का एक हम फीमेल सॉकेट लिए जो कि चार्जिंग सॉकेट है टाइप सी का। आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का, यह आपको किसी भी इजली इलेक्ट्रिक शॉप पर मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक देख सकते हैं यहाँ पर हम 2 1K का रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। देख सकते हैं 1K का रेजिस्टेंस है, 2 हम ले लिए हुए। और उसके बाद यहाँ पर 2 LED बल्ब लिए हुए हैं, 2 कलर का। वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो LED बल्ब है, एक है ग्रीन और एक है रेड। ये 2 कलर का LED बल्ब हम ले लिए यहाँ पर एक। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3 डायोड है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 डायोड ले लिए हैं। इस डायोड का मैं नंबर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, डायोड का नंबर है IN4007 यानी कि IN4007, इतना नंबर का यह 3 डायोड है। तो इसी इतना ही कंपोनेंट का हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इससे हम चार्जिंग मॉड्यूल बनाते हैं और किसी भी बैटरी को अभी आप लोग सेफली चार्ज करके भी दिखाएंगे। और मॉड्यूल में खासियत होगी फ्रेंड, जब बैटरी चार्ज हो जाएगी फुल तो फ्रेंड इसमें लाइट जलेगी, और बैटरी चार्ज नहीं रहेगी फ्रेंड इसमें लाइट जो है फ्रेंड्स इसमें नहीं जलेगी, ऐसा वाला मॉड्यूल बनेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में बन रहिएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आप लोगों को भी ले लेना है इस टाइप का एक छोटा सा PVC का, देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर कूट का फिर टुकड़ा ले लेना है छोटा सा काट करके। तो इसको हम काट लिए हैं। उसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पर हम 2 होल करेंगे ताकि इसको हम इसमें फिक्स कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आप लोग इसमें चार्जिंग का पिन लगाकर इसमें बल्ब को जला करके माइनस और प्लस का पता लगा सकते हैं। तो इसको हम माइनस और प्लस का पता लगा लिए हैं पहले ही। आप लोग देख सकते हैं ये जो टेढ़ा है इसको मोड़े हुए हैं, ये वाला जो है मेरा प्लस का वायर है। तो चलिए हम प्लस वायर को, दोनों वायर को हम यहाँ पर हम इसमें फिक्स कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हम यहाँ पर इसको लगा लिए हैं। और उसके बाद करेंगे क्या कि इसको हम यहाँ पर ऐसे हल्का मोड़ देंगे इस टाइप से। और ये जो देख सकते हैं इधर साइड घुमा हुआ है, ये वाला मेरा प्लस का है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये वाला है जो प्लस का है चार्जिंग सॉकेट का, और ये वाला जो है माइनस का है। इसमें हमें जो डायोड है इसको हमें सोल्डिंग करना होगा। तो पहले मैं बता दूं डायोड को कैसे सोल्ड करना है। इसमें डायोड को हमें करना है क्या कि प्लस वाला जो वायर है इसका सॉकेट का, प्लस वाला वायर इसमें से एक वाला प्लस का है, उसमें हमें सोल्ड करना है। तो प्लस वाले में सोल्ड कैसे करेंगे आप लोग देख सकते हैं, डायोड में भी यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, देख सकते हैं एक साइड से करेंट इसमें जाता है और एक साइड से अगर इसको उल्टा जोड़ेंगे तो दूसरे साइड से करेंट इसमें नहीं आएगा। तो हमें करना है कि आप देख सकते हैं इसमें जो है एक साइड देख सकते हैं सिल्वर पट्टी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक साइड वाला से अगर बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ सिल्वर पट्टी के तरफ करंट जाएगा, अगर सिल्वर पट्टी वाला तरफ से जोड़ेंगे तो इधर नहीं आएगा। फ्रेंड इसको करेंगे क्या कि ब्लैक पट्टी छोड़ करके हम सिल्वर पट्टी छोड़ करके यहाँ ब्लैक पट्टी वाला से हम इसको पिन में जोड़ देंगे प्लस वाले में, यहाँ चार्जिंग सॉकेट के इस टाइप से यहाँ पर जोड़ेंगे इस टाइप से, देख सकते हैं आप लोग इस टाइप से जोड़ेंगे। और उसके बाद जो 2 और बच गया इसको भी हम उसी टाइप से सीधा करके सीरीज में सोल्ड कर लेंगे इस टाइप से, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम 3 डायोड को हम सीरीज में सोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा बड़ा है इसको हम काट करके छोटा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हमने तीनों को वायर को काट कर छोटा कर लिए हैं, अब इसको हम सीरीज में सोल्ड कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसको हमने सीरीज में सोल्ड कर लिए, देख सकते हैं आप लोग सिल्वर पट्टी वाला जो है सब सारा डायोड का एक साइड करके इसमें सोल्ड कर दिए सीरीज में, देख सकते हैं इस टाइप से आप लोग भी सोल्ड कर लीजिएगा। अब हमें करना क्या हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो सॉकेट का जो प्लस वाला वायर है, यहाँ पर प्लस वाला वायर, इस वाले वायर में हमें यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ब्लैक साइड है डायोड का वो वाला हम सोल्ड कर देंगे। यहाँ पर सॉकेट के प्लस वाले में हम यहाँ पर देख सकते हैं डायोड को हम सोल्ड कर ले रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड इसको हम सोल्ड कर दिए हैं।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाले में हम इसको सोल्व कर दिए डाइवोल्ट का सीरीज को। अब हम करेंगे क्या कि इसमें बल्ब लगाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बल्ब है और एक रेड कलर का बल्ब है, तो दोनों बल्ब को लगाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे इसके आगे यहाँ पे इस साइड से हम देख सकते हैं इसका जो प्लस वाला जो है, इसका प्लस वाला वायर जो है ग्रीन कलर का बल्ब जो है उसका प्लस वाला वायर है, उसको हम डायोड जो है डायोड लगा हुआ इस साइड करके हम इसको अपोजिट साइड से यानी कि इस साइड से यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं, इस टाइप से इसको यहाँ पर लगा दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो इसको अंदर इसको हम यहाँ पर होल करके आप लोग किसी भी तरह से इसको फिक्स कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से हमने दोनों बल्ब को लगा लिए हैं, इसका जो प्लस वाला वायर है दोनों का एक साइड कर दिए हैं और माइनस वाला एक साइड कर दिए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो प्लस वाला वायर है दोनों बल्ब का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो कि डाइवोट को साइड हम कर लिए हैं। इस साइड पर देख सकते हैं जो डाइवोट के साइड जो दो वायर दिख रहा है आप लोग को वो प्लस का है, और इधर जो है ये वाला जो दोनों वायर है बल्ब का है माइनस का है, और ये वाला जो है प्लस का वायर है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करेंगे क्या कि सबसे पहले करेंगे इसका जो माइनस वाला वायर है इस सभी को हम एक साथ इसमें जोड़ देंगे, जैसे कि इसका सॉकेट का माइनस वाला वायर निकला हुआ है उसमें हम बल्ब का माइनस वाला इसको ऐसे करके सोल्व कर देंगे, और इसको भी हम दोनों बल्ब को माइनस वाला को ऐसे करके दोनों को एक साथ यहाँ पर इसमें सोल्व कर देंगे एक दूसरे में। चलिए माइनस वाले को हम दोनों बल्ब को सॉकेट में सोल्व कर लेते हैं, सॉकेट के माइनस में। इसके बाद इस वायर को भी सोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम सॉकेट का माइनस वाला और दोनों बल्ब का माइनस वाला वायर तीनों वायर को एक साथ यहाँ पर जोड़ लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसमें से दो निकला हुआ है बल्ब का माइनस वाला और एक सॉकेट का था, तीनों को यहाँ पर एक साथ जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर बच गया फ्रेंड्स दोनों बल्ब का जो प्लस वाला वायर है वो, इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हम एक रेजिस्टेंस लेंगे 1K का रेजिस्टेंस, इसको हम करेंगे क्या कि यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड वाला बल्ब है, रेड वाला बल्ब का प्लस वाला वायर जो इस साइड निकला हुआ है इसके साथ हम रेजिस्टेंस को सोल्व कर देंगे। तो इसके साथ सोल्व कर देंगे रेजिस्टेंस को, और उसके बाद रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे जो सॉकेट का प्लस वाला है और डायोड का जुड़ा हुआ है उसके साथ यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो चलिए पहले इसको हम बल्ब वाले वायर में सोल्व कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम सोल्व कर दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसका रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर सोल्व कर दिए हैं, और उसके बाद रेजिस्टेंस वाले वायर को हम यहाँ पर सोल्व कर देंगे जो कि टाइप सी का। सॉरी फ्रेंड्स ये यहाँ सही सोल्डिंग नहीं हुआ था इसके कारण से यहाँ से निकल गया है, इसको हम अच्छे से सोल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ डायोड को जब सॉकेट और डायोड का दोनों जोड़ा हुआ है उसके बीच में इसको जोड़ दे रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पर जोड़ देना है सॉकेट के प्लस वाले में जिसमें डायोड जोड़ा हुआ है उसी में हम जोड़ दिए हैं। रेड LED बल्ब का जो प्लस वाला है इसको उसमें हम रेजिस्टेंस को जोड़ करके इसको यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ग्रीन LED का जो प्लस बच गया है प्लस वाला वायर इसमें भी हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K का, और उसको हम यहाँ पे लास्ट वाले सिरे पर जोड़ देंगे। डायोड का ये वाला बचा हुआ है इस पर लास्ट वाले सिरे पर जोड़ देंगे। यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए यहाँ पर दोनों बल्ब का जो प्लस वाला वायर है उसमें हम रेजिस्टेंस को जोड़ दिए हैं। दोनों बल्ब का प्लस वाले वायर में रेजिस्टेंस को जोड़ दिए हैं, एक रेजिस्टेंस का जो देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे डायोड के लास्ट वाले में जोड़ दिए हैं सिल्वर पट्टी साइड, और यहाँ पर रेड वाला रेजिस्टेंस है
रेड वाला बल्ब में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर देख सकते हैं, सॉकेट से निकला है फ्रेंड्स, इसको जोड़ दिया है, डायोड से पहले ही जोड़ दिए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस वाला जोड़ दिए हैं। अब उसके बाद करेंगे क्या कि और इसका माइनस वाले जो है यहाँ पर सॉकेट का और दोनों बल्ब का सबको एक साथ यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब इसमें से हमें दो वायर निकालना होगा जो कि बैटरी के चार्जिंग के लिए होगा। चलिए यहाँ पर माइनस और प्लस का दो वायर निकाल लेते हैं, अभी आप लोग को पता चलेगा कि माइनस का हम कहाँ से निकालते हैं और प्लस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक येलो कलर का यानी कि पीला कलर का एक वायर ले लिए हैं, इसको हम प्लस का वायर मानेंगे और इस प्लस वाले वायर को यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रेजिस्टेंस और डायोड का जो बीच में जुड़ा हुआ है यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको दोनों के बीच में। तो इसको हमने अच्छे से यहाँ पर सोल्व कर दिए, आप लोग देख सकते हैं ये वाला वायर सोल्व हो चुका है। उसके बाद माइनस का वायर हम सोल्व करेंगे, जो कि माइनस का वायर मेरे पास एक ब्लू कलर का है, इसको हम माइनस का वायर मानेंगे। तो माइनस का वायर करेंगे क्या फ्रेंड्स, इसमें हम कहीं पर भी सोल्व कर सकते हैं, ये जो माइनस वाला वायर एक साथ जुड़े हुए हैं इसमें, इसके बीच में कहीं पर भी इसको हम सोल्व कर देंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्व कर ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइनस वाले वायर को भी यहाँ पर हम सोल्ड कर दिए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स बनकर। देख सकते हैं आप लोग इसमें हम चार्जिंग पिन लगाएंगे और इस दोनों में हम बैटरी को जोड़ेंगे जो कि लिथियम बैटरी जो भी होता है 3.7 वोल्ट का। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बैटरी है, इसको भी मैं आप लोग को चेक करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये चार्जिंग मॉड्यूल बन करके रेडी हो चुका है, आप चाहे तो इसको अच्छा चिपका भी सकते हैं या फिर किसी बॉक्स में इसे पैक भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसको चेक करके दिखाता हूँ, बैटरी को चार्ज करके भी दिखाता हूँ। तो चलिए ये चार्जिंग का पिन है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इसका लाइट जो हमें जल जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड जैसे ही इसको मैंने लगाया यहाँ पे दोनों कलर का लाइट जल रहा है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों जल रहा है। तो आप लोग मैं बता दूँ कि जब इसको हम बैटरी को चार्ज में लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी है, इसको हम चार्ज में लगाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ जो ग्रीन कलर का जो बल्ब है, अगर बैटरी मेरा चार्ज नहीं रहेगा तो यह ग्रीन कलर का बल्ब का जो रोशनी कम जाएगा, इसका जो रोशनी कम जाएगा, और ये फुल चार्ज होएगा तो ये फुल वोल्टेज में यहाँ पर जलने लगेगा, जैसे कि अभी जल रहा है फुल वोल्टेज इस टाइप से। और ये जो रेड वाला है फ्रेंड्स, ये हो जाए परमानेंट जलता हुआ रहेगा, जब तक इसमें इसको हम चार्ज से कनेक्ट करके रखेंगे तब तक ये जलता रहेगा। जैसे यानी कि इससे पता चलेगा कि मेरा जो बैटरी है चार्ज हो रहा है, रेड वाला बल्ब वो परमानेंट जलेगा फ्रेंड्स, उसका कम वैसे वोल्टेज नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोग चार्ज में लगा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी। तो ज़्यादातर बहुत लोगों को इसी बैटरी का जरूरत पड़ता है, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे रेड वाले बल्ब को यहाँ पर उंगली से ढक दे रहे हैं ताकि आप लोग का प्रॉपर इसका लाइट दिखे, ग्रीन वाले का इसको यहाँ से ढक दे रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग इसको ढक दिए हैं, आप लोग ग्रीन वाले पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसको चार्ज लगाएंगे अगर बैटरी मेरा फुल चार्ज होगा तो इसका जो है लाइट नहीं घटेगा, यानी कि इससे पता चलेगा कि ये फुल चार्ज बैटरी है। अगर इसका थोड़ा सा भी रोशनी घटेगा, यानी कि इधर बैटरी में अगर इस करंट आनेगा तो इसका जो रोशनी कम जाएगा। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ प्लस वाले में इस साइड हम इसको टच कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बैटरी को पीला वाला वायर को, और माइनस वाले में इस साइड। जैसे ही माइनस वाला हम जोड़ेंगे यहाँ पर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा जो मेरा बैटरी चार्ज है या नहीं आप लोग को पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स इसको हम लगा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने इसको लगाया यहाँ पर जो मेरा जो बल्ब का जो रोशनी कम गया, यानी कि मेरा बैटरी जो फुल चार्ज नहीं है, अभी चार्ज में लगा हुआ है। जब ये बिल्कुल फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो बल्ब जल रहा है उसका रोशनी फुल वोल्टेज में जलने लगेगा। इसको चार्ज हटाएंगे, देख सकते हैं आप लोग इसको हटा दिए, देख सकते हैं यार रोशनी इसका बढ़ गया, यानी कि फुल वोल्टेज में जल रहा है बल्ब। जैसे ही इसका जो करंट जो बैटरी टानेगा यानी कि चार्ज होना शुरू होगा, देख सकते हैं आप लोग जैसे ही बैटरी चार्ज हो रहा है वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो बल्ब का रोशनी कम गया। अगर यह फुल चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स तो इसका रोशनी जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो फुल वोल्टेज में जलने लगेगा इस टाइप से। तो ऐसे ही करके आप लोग सेफली किसी भी बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को इस टाइप से चार्ज कर सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स है मॉड्यूल, आप लोग देख सकते हैं ऐसा मॉड्यूल आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं। लेकिन एक बात और फ्रेंड, इसको आप लोग इसको सेफ रखने के लिए इसका एक बॉक्स टाइप का इसका आकार दे दीजिएगा, इसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी ऐसे ही नया प्रोजेक्ट साथ न्यू वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट करके जरूर बताया कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।